हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा आप लोग फ्री हैंड आउटलाइन कैसे कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही बिगिनर आर्टिस्ट को नहीं पता है कि फ्री हैंड आउटलाइन वो लोग को बहुत ही मुश्किल होता है। फ्री हैंड आउटलाइन कैसे करें, लेकिन मैं आपको आज पूरा सिंपल तरीके से दिखाऊंगा आप लोग फ्री हैंड आउटलाइन कैसे कर सकते हो। तो चलिए गाइस, वीडियो पूरा देखिए और गाइस एक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोग जब सब्सक्राइब करते हो तब मोटिवेट मिलता है हमें वीडियो बनाने में, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ही टाइम लगता है। अब लोग जानते हो ड्राइंग वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि एक वीडियो 8-9-10 घंटा करके बनाना पड़ता है। इसलिए कहीं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर इसमें मेसी का इस फोटो का ड्राइंग करूँगा और देखिए मैं स्केल से एक लाइन खींच लिया हूँ, उस लाइन पर ही मैं पूरा बेस को बनाऊँगा, जो फेस से नोस लिप्स पूरा इस बेस से ही होगा। और ऊपर में तो लाइन खींचता हूँ जहाँ पर बाल है वहाँ से एक लाइन खींचा हूँ। अब देखिए कैसे कर रहा हूँ मैं, आपको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा कहाँ से जो शेप है, उस शेप को पहले आपको जानना पड़ेगा कैसे शेप होता है, शेप को आपको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और गाइस आप स्केल से भी मेजरमेंट ले सकते हो, मैं कैसे मेजरमेंट लेता हूँ देखिए, ऐसे मेजरमेंट आप इतना लेके वो भी कर सकते हो, यहाँ तक होगा। और गाइस फ्री हैंड आउटलाइन बनाने का यही सबसे इजी तरीका मुझे लगता है, ऐसे आउटलाइन बनाता हूँ फ्री हैंड, आप भी ऐसे ही करना। और गाइस आपको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप ड्राइंग नहीं कर सकते, क्योंकि प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। नोस कंप्लीट ही हो गया है, अब मैं लिप्स की तरह जाऊंगा, कैसे कर रहा हूँ देखिए। लिप्स आपको शेप देखना पड़ेगा, शेप कैसा है, उस शेप कैसे से ही आप कर सकते हो। अब मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा, लाइन देखिए आपका एब्जॉर्ब आपको अच्छा तरीके से होना चाहिए। जब आप एब्जॉर्ब करना अच्छे तरीके से सीख जाओगे तब आप आउटलाइन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। एब्जॉर्ब जब आप सीख जाओगे, एब्जॉर्ब में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है मुझे लगता है ड्राइंग में। आप जब तक एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे कोई भी चीज़ को, आपको ड्राइंग करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जब आप एब्जॉर्ब करना सीख जाओगे आप बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राइंग सीख जाओगे। और एब्जॉर्ब करना आपको पहले फ़ोटो को आपको अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, आप कोई भी ड्राइंग कर रहे हो आपको फ़ोटो को अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, कैसा कौन सा एंगल कैसा है, किस आपको शेप देखना पड़ेगा, नोज का शेप देखना पड़ेगा, आईज का शेप देखना पड़ेगा, लिप्स का शेप देखना पड़ेगा कैसा है। देखिए शेप मुझे शेप बहुत इम्पोर्टेंट है, शेप को आपको समझना पड़ेगा उस शेप कैसा है। शेप जब तक नहीं आप लोग समझ जाओगे ड्राइंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको। तो देखिए कैसे हो रहा है ड्राइंग। अब देखिए गाइस आई को ड्रॉ करने के पहले आपको मेजरमेंट ऐसे कर लेना पड़ेगा, नहीं तो परफेक्ट नहीं होगा, ऐसे ही आपको मेजरमेंट कर लेना पड़ेगा। देखिए कैसे मैं कर रहा हूँ, दूर कितना दूर है नोज से वो देखना पड़ेगा, देखिए कैसे कर रहा हूँ मैं, तो आपको ऐसे ही परफेक्ट होगा। और मुझे फ्री हैंड ड्राइंग करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे मुझे परफेक्ट भी लगता है, परफेक्ट भी होता है इससे। देखिए कैसे हो रहा है,
अपने हेयर का जो डिस्टेंस है उसका मेजरमेंट कर रहा हो, देखिए आपको भी ऐसे ही करना है।
गाइस आउटलाइन हम लोग का कंप्लीट हो गया है। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। और इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट में इसको पूरा कंप्लीट करूँगा सेटिंग करके। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।